हेलो एवरीवन, कई स्टूडेंट्स के हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि मैं नंबर काउंट करके दिखाओ हमारे। देखो कई स्टूडेंट्स ने अपने नंबर भी सेंड किए हमें, लेकिन हर एक स्टूडेंट्स को तो हम नंबर्स कैलकुलेट करके नहीं सेंड कर सकते, इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको जो आरोही मॉडल स्कूल में जो अब रिजल्ट आया है उसके नंबर आपके किस तरह से काउंट होंगे। हमने भिवानी बोर्ड में फोन किया था तो वहां पर पूछा था कि क्या इसका स्किल टेस्ट भी होगा, तो उन्होंने बताया कि अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, जो कमेटी चाहेगी तो स्किल टेस्ट लेगी, नहीं तो जो आपकी आपका जो रिटर्न टेस्ट हुआ है इसी के 50% नंबर काउंट होंगे। तो जो प्रिंसिपल था, जो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनके नंबर किस तरह से काउंट होंगे, उनके नंबर पीजी के 20%, ठीक है, पीजी के मैक्सिमम 20% नहीं 20 मार्क्स। इट मींस क्या है, अगर आपके पीजी में 80% मार्क्स है ना, तो 80 का 20 निकाल लो, तो इसका मतलब क्या है, आपके पीजी के 16 मार्क्स काउंट होंगे। उसके बाद बीएड के मैक्सिमम 10 मार्क्स दे रखे हैं, तो इससे आप कैसे निकालोगे, अगर आपके मान लो बीएड में है 70%, तो आपके 7 मार्क्स इसमें होंगे। ये जो 16 है ये आउट ऑफ कितने हैं 20, ये 7 है ये आउट ऑफ कितने हैं 10। उसके बाद अगर आपकी आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन की है, इट मींस अगर आपने एमएड की है तो एमएड के 2 मार्क्स मिलेंगे, एमफिल के भी 2 मार्क्स मिलेंगे, पीएचडी के भी 2 मार्क्स मिलेंगे और ड्रीम लिटरेचर के भी 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ये टोटल मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलेंगे, 8 मिलेंगे। आपने जो भी क्वालिफिकेशन करके मान लो आपने एमएड कर रखी है तो आपको 8 में से कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस के मार्क्स कितने मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपने अगर एक साल की है तो आपका कितना कितने मार्क्स हो गए, 1 हो गए, 2 इयर्स की है तो 2, अगर आपने 1 ईयर 7 मंथ्स की है तो उसे भी हम 2 मंथ्स ही कंसीडर करेंगे। और जो राइटिंग स्किल यानी कि जो हमारा टेस्ट हुआ है उसका 40% लगेगा इसमें, इट मींस अगर आपके मार्क्स आए हैं इस टेस्ट में 80, तो 80 का 40% यानी कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 40 में से आपके कितने लगेंगे, 32 अगर आपके 80 आए हैं। तो देखो हमने जो प्रिंसिपल के बताए कि किस तरह से परसेंटेज निकालनी, इसी तरह आप भी निकाल सकते हो। यहाँ पर आपके 80 गिर गए, 70 है 70 गिर लो, 75 है तो 75 ले सकते हो। ये थी हमारे जो प्रिंसिपल का क्राइटेरिया था। उसके बाद पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर है जो, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसका जो क्राइटेरिया है वो पीजी के आपके 25%, वहां पे कितने थे 20%, ये किसका है पीजीटी लेवल का 25%, इट मींस अगर आपके 80% मार्क्स है तो उसका 20 हो गया, यानी कि 25 में से आपके कितने मार्क्स लगेंगे, यहाँ पर 20 लगेंगे। उसके बाद देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए हैं कि पीजीटी भी दे रखा है साथ में एसटेट के भी 25 दे रखे हैं और नेट लिख रखा है, नेट के 35 है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो इन तीनों में से अगर आपके मान लो एसटेट में है आपके 70%, ठीक है, क्योंकि 60% का तो पास ही होता है, तो अगर 70% है तो 70 का 25, और आपके नेट में भी मान लो 70% है तो 70% का 35, फाइव
तो इनमें से विच एवरेज हायर, जो से हायर होंगे उसी को काउंट किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी ने नेट पर रखा उसके और 35% लग गए हैं तो मैक्सिमम इसी के होंगे, लेकिन अगर किसी ने नेट नहीं किया तो पीजी के और एसटेट में से जो हायर होंगे वही लगेंगे आपके। इसमें ही ज्यादा कंफ्यूजन लग रही थी बच्चों को, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज लिख कर उसको काउंट करके देख सकते हो। उसके बाद इसमें कितने मिलेंगे, बीएड मिलेंगे 8। अगर आपके बीएड में 80% है तो 8 में से आपके कितने लगेंगे, 6.4। यानी कि अगर आपके 80% है, अगर आपके 80% से कम है या ज्यादा है वो आप यहाँ पे लिख के निकाल सकते हो, तो आपके 8 में से कितने मिलेंगे, 6.4 मिलेंगे। और यहाँ पर भी जब जाएंगे 24.5। उसके बाद है आपका, अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है कुछ एमएड है तो एमएड के 1 मार्क्स मिलेंगे, एमफिल के 2 मिलेंगे, पीएचडी के 2 मिलेंगे, लिटरेचर के 2 मिलेंगे। ये हमने जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें दे रखा है कि मार्क्स कितने कितने आपको किस किस सब्जेक्ट के कितने, मतलब आपके जो जो हायर क्वालिफिकेशन है उसके किस किस के कितने मिलेंगे उसमें आप देख सकते हो। और उसी में बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी ज्यादातर कि मैम हमारा एसटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, या फिर ऑप्शन में ही एक आ रहा था। देखो ऑप्शन में तो एक आ रहा था, लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तब आपके पूरे के पूरे नंबर काउंट हो गए और उसके बाद ही आपकी लिस्ट लगेगी, जैसा कि हमें भिवानी बोर्ड वालों ने बताया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। और राइटिंग स्किल की जहां तक बात है तो जो ये हमारा टेस्ट हो चुका है ये एक तरह से राइटिंग स्किल ही था, लेकिन अगर कमेटी डिसाइड करेगी, अगर ज्यादा कैंडिडेट्स आ गए हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब 1/3 लेके होते हैं, शायद ये हमने कुछ ना ध्यान नहीं रहा कि 1/3 लेके या कितने लेंगे, यानी कि अगर एक पोस्ट है तो उस पर 3 कैंडिडेट लेने होते हैं। बट अब इसमें हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी इसमें हमने कुछ पूछा नहीं और उन्होंने ज्यादा बिजी होने की वजह से कुछ ही बात बता पाए थे वो कि राइटिंग स्किल होगा ये कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन जहां तक हो सकता है जो ये टेस्ट हो चुका है तो इसी के हमारे क्या है 50 में से इसमें क्या मैक्सिमम 50 मार्क्स लगेंगे। इट मीन्स अगर आपके 70 आए हैं तो आपके 35 लगेंगे, ठीक है, यानी कि 70 का 50%। इस तरह से ये नंबर लगेंगे और ये आपके आउट ऑफ 100 होंगे। और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार होके आएगी, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें देखा जाएगा कि कौन स्टूडेंट अपर लेवल में गया है, कौन नीचे गया है, कौन लिस्ट से बाहर है और कौन लिस्ट के अंदर है। और ये रही बात की हुई जो हमारी मेरिट लिस्ट है वो कहाँ तक जाएगी, तो जहां तक चांस है देखो वो तो आपकी आपकी सीट्स कितनी है और कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है वो उस पर डिपेंड करेगी, लेकिन जो ओरिजिनल जो लिस्ट निकल के आएगी वो हो सकता है क्योंकि बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स लिए तो 72-75 तक चांस है, इससे कम भी हो सकती है थोड़ी 1-2%, इससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि कई जो सब्जेक्ट है उनकी सीटें ही 1-2 है तो उनकी 75 से भी ज्यादा हो सकती है, और जिनकी सीट्स थोड़ी सी ज्यादा है तो उनकी 72-75 तक हो सकती है। और जो ये मेरिट लिस्ट है ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन अदर क्वालिफिकेशन प्लस टेस्टिंग सभी के जो मार्क्स है सभी के टोटल होने के बाद ही निकल के आएगी। अभी ये नहीं कह सकते कि भाई टेस्ट में कम मार्क्स है तो आप क्वालिफाई नहीं हो, जी नहीं, अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स है और आपने एमफिल पीएचडी में से कुछ कर रखा है या फिर एक्सपीरियंस है तो आप जो जिनके टेस्ट में ज्यादा मार्क्स है उनको भी बीट कर सकते हो। तो टोटल आप परसेंटेज बताइए कि आपकी कितनी बनती है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से परसेंटेज निकालनी है। और जो आपकी नेट या नेट जीआरपी एसटेट की जो कंफ्यूजन थी आपके माइंड में वो भी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इसमें जो हमारे जो बेस्ट टॉपिक है जिनके आने के ज्यादा चांस होते हैं हम वो करवा रहे हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, और ये नया चैनल है अभी स्टार्ट किया है इसलिए इसमें क्या है अभी मैटर कम है लेकिन जो है वो बेस्ट है।
और अगर आपको ये भी न्यू नोटिफिकेशन, वैसे तो हम टीचिंग तो सिर्फ कॉमर्स की करवाएंगे, बट जो कोई भी अगर कहीं से भी जैसे टेस्ट वगैरह के रिजल्ट वगैरह आता है या फिर कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके ऊपर हम वीडियो जरूर डालते हैं। तो अगर आप कोई भी नई न्यू अपडेट जानना चाहते हो एमफिल, पीएचडी या टीचिंग के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।